भारत के इतिहास में एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय सेना के अधिकारी नीरज चोपड़ा ने सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना उनके कठोर परिश्रम, निरंतर प्रशिक्षण एवं दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी सामाजिक संस्था लायंस क्लब ने नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। क्लब के प्रधान अश्विनी अरोड़ा के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने भारत माता के जयकारे लगाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। अश्विनी अरोड़ा ने कहा कि नीरज चोपड़ा की ये उपलब्धि हमेशा याद की जाएगी। उन्होंने टोक्यो में एक नया इतिहास रच दिया है। युवा नीरज ने अद्भुत जोश और बेमिसाल धैर्य को दिखाते हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक पाकर उन्होंने हर भारतीय को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। लायंस क्लब का हर सदस्य नीरज की इस उपलब्धि पर गौरव महसूस कर रहा है। लायंस क्लब के सभी सदस्यों ने नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ संजीव छाबड़ा, धीरज गुलाटी, जितेंद्र मेहता, तरुण ढींगरा, अमित अरोड़ा, रविनंदन आहूजा, संदीप मरवाहा, जशन अरोड़ा, विवेक कक्कड़, राजेश छाबड़ा, डॉक्टर जेपी केसरी, मनीष सिंधवानी व अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।